बनाने लगी हूँ बस अब सैरी के लिए पराठे। मैं करूँगी लाइट ऑन और निकालूंगी तवा। ये देखो तवा मैंने रख दिया, चूल्हा जलाऊं। चूल्हा गया है जल। अब पराठों को कड़े करके माइक्रोवेव में रखे थे वो निकालती हूँ। पराठों के पेड़े आराम में बनाऊंगी पराठा। एक पेड़ा लेती हूँ, ये देखिए पराठा मैंने डाल दिया तवे पे। अब मैं लगाती हूँ इसको ऑयल। निकालती हूँ चिमटा, चिमटा शायद बर्तनों में। आलू में करती हूँ थोड़ी हल्की, पराठा हमारा बन के तैयार है। अब मैं इसको निकालती हूँ और इधर रखती हूँ। अब दूसरा पराठा डालती हूँ। मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च और कीमा सैरी के लिए। इसके लिए मैंने लिए हैं ये तीन प्याज। फिर मैं डालूंगी अब ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा ऑयल। अब मैं करूंगी इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई। अब इसमें डालूंगी एक टीस्पून जीरा। ये जाएगा इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी एक टेबलस्पून लहसुन और दो टमाटर काट के डालूंगी कीमे के लिए। अब इसमें डालूंगी मैं कीमा। अब इसमें मैं डालूंगी दो ग्लास पानी के और फिर मैं इसमें नमक मिर्च हल्दी डालती हूँ। मैं डालूंगी इसमें एक टेबल स्पून, डेढ़ टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, एक टेबल स्पून नमक, वन फोर्थ हल्दी। अब मैं लगा दूंगी इसको ढक्कन और इसको मैं 10 मिनट के लिए शिफ्ट लगा दूंगी। ये मैं बनाने लगी हूँ चिकन शाजले और इसके लिए मैं चिकन में करूंगी पहले मैरिनेट। इसमें मैं डालूंगी लहसुन, अब इसमें मैं डालूंगी बारबेक्यू सॉस तकरीबन दो टेबल स्पून, इसमें मैं डालूंगी पेरी पेरी सॉस, दो टेबल स्पून
और इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड 2 टेबलस्पून। और इसमें मैं डालूंगी चिकन टिक्का मसाला तकरीबन आधा पैकेट। और इसमें मैंने तकरीबन डाले हैं 2 लेमन। अब इनको मैं करूंगी अच्छी तरह से मिक्स। इनको तकरीबन आधा घंटा मैं छोड़ूंगी मैरिनेट करूंगी और उसके बाद मैं स्टिक्स पे परो लूंगी। चाट हमारी बन के तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। और इसमें डालूंगी थोड़ी सी चीनी। और इसको करूंगी मिक्स। अब मैं डालूंगी चाट को इस डोंगे में। हमें शाशलिक के लिए शिमला मिर्च काट रही हूँ। ये स्टिक्स पे परोंगी उसको। कुकर की शिफ्ट मैंने खोल दी है। अब मैं कीमा भून लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी शिमला मिर्च 2 जिनको मैंने नमक लगा के रखा था वो धो के मैं इस कीमे में डालूंगी। अब कीमे में डालूंगी मैं शिमला मिर्च और कीमा बनाऊंगी। अब इसमें मैं डालूंगी 2-3 हरी मिर्चें। अब ये देखें हरी मिर्चें इसमें मैंने डाल दी हैं। अब इनको मैं रखूंगी दम पे। शिमला मिर्चें मैंने काट ली हैं। अब मैं काटूंगी इनके अंदर प्याज और 2 टमाटर। 2 टमाटर दी। साथ भरूंगी 1 डालूंगी टमाटर। एक शिमला मिर्च और 1 चिकन की बोटी। फिर 1 टमाटर प्याज शिमला मिर्च। कीमा हमारा तकरीबन बन के तैयार है। फिर मैं डालूंगी घर का पिसा हुआ या गरम मसाला। और अभी इसको 10 मिनट में और दम पे पकने दूंगी। ऑयल इसके ऊपर आ गया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है कीमे की। ये मैं आलू छील रही हूँ और काट रही हूँ। मैं बनाऊंगी बेसन वाले चिप्स। तो इसकी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ कि बेसन आलुओं को क्या क्या चीज़ लगानी है और फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। अब मैं रखूँगी बारबेक्यू स्टिक्स इसके अंदर, शाशलिक स्टिक इसके अंदर, और इनको रखूँगी मैं ओवन में। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर ऑयल। अब इनको मैं रखूंगी ओवन में। अब कीमा हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैं चिप्स, जो चिप्स मैंने बेसन वाले बनाने हैं उनको मैं डालूंगी। और मैं मसाला और मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चिकन पाउडर। ये भर के डाल दिया। इसमें नमक होता है इसलिए आप नमक हल्का डालें क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 टीस्पून। और इसमें जाएगा बेसन तकरीबन 4 टेबलस्पून। बस अब इसको मैं कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स। और कढ़ाई में इनको फ्राई कर लूंगी। मछली को हमारी स्टिक्स पक रही हैं। मैं थोड़ी देर में इनको और रखूंगी फिर मैं इनको निकाल लूंगी। अब हम तरावी पढ़ के मैं वापस आ गई हूँ। और अब मैंने खाना वाना खा लिया है। और अब मैं सहरी के लिए इंशाल्लाह से उठूंगी तो फिर आपसे
मुलाकात होगी और सैरी बनाऊंगी। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, सुबह से आज बारिश थी और आज ठंडे रोजे हैं अभी तक। शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक वो वाली गर्मी नहीं आई कि प्यास लगे। तो शुक्र है अल्लाह का कि रोजा महसूस ही नहीं होता आजकल, इतना ठंडा मौसम है। तो दुआओं में याद रखे अल्लाह ताला अपनी इसी तरह रमजान के महीने में रहमतें और बरकतें नाजिल करता रहे ताकि हमारे रोजे अच्छे गुजर जाए। दुआओं में याद रखें और ब्लॉग को देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल का बटन दबाया करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आपको मिले। और इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे सहरी के वक्त। अल्लाह हाफिज़।